बच्चे को इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास छोड़ के चली गई है। प्लीज आप इस खबर को जितना हो शेयर जरूर करें। और इस वक्त हम आपको बताएंगे, उसी बच्चे के मासूम बच्चा सोया हुआ है और जो माँ माँ कर रहा है कि मुझे मेरी माँ के पास लेकर जाओ। ये देखिए, ये वो मासूम चेहरा है। प्लीज इस खबर को जितना हो, छोटा सा बच्चा है, मासूम सा है, और ये लड़का है, आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो माता पिता भी है जो तरसते हैं बेटी ही घर में हो जाए, मगर जहां पर देखिए एक माँ अपने बेटे को ही छोड़ के चली गई है, वो कैसी बदनीसी माँ होगी जो उस बच्चे को छोड़ के चली गई है, जो मासूम। प्लीज आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खबर शेयर जरूर करें। एक मासूम सा बच्चा है, जो देखिए उम्र इसकी कितनी होगी, जो आप भी देख सकते हैं, लगभग कम से कम भी 1 साल के करीब होगा। और जहां पे, और इस वक्त आप लोगों को मैं बता दूं, हम पुलिस स्टेशन विश्नाह के अंदर है। मैं सल्यूट करता हूँ पुलिस स्टेशन विश्नाह के महिलाओं को भी, जो जेके पुलिस में काम कर रही हैं, जिनके द्वारा इस बच्चे को लाकर जहां पे सुलवा दिया गया है। जहां पे आप देख सकते हैं, जे मासूम का क्या कसूर था, जिस इस बच्चे ने जे कसूर था, इसने उस माँ का जन्म दिया, जो माँ देखिए इस मासूम को जन्म तो दे गई मगर उसके बाद इसको दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ चुकी है। आपको बता दें, ये बच्चा रो रहा था, किरला रहा था, माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, आखिर वो माँ इसको क्यों छोड़ के गई, कहीं सवाल उठते नजर भी आ रहे हैं। आप लोग जितना हो सके साथ में साथ खबर भी शेयर जरूर करना। मैं एक बार फिर से बताऊं, प्लीज इस खबर को इस बच्चे के लिए शेयर जरूर करना। इस वक्त मैं विश्नाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूं, जहां पर जे देखिए, ओ सॉरी, आपको बताऊं, पुलिस स्टेशन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं, आपको बता दें, सॉरी, जे पुलिस स्टेशन विश्नाह में है। आपको बता दें कि बच्चा इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो दफ्तर है बाहर से मिला था। हमारे कुछ पत्रकारों भाइयों ने भी खबर चलाई सुबह सुबह, और उसके बाद हमने भी ये सोचा कि क्यों ना हम भी इसको खबर को जरूर सुनाएं। और बच्चे की उम्र आप देख सकते हैं, मासूम बच्चा था, और जहां पर जो कि पुलिस अधिकारियों ने उठाकर इस बच्चे को पुलिस स्टेशन में लाया है, और बच्चा देखिए सो रहा है, और हमने सोते सोते इसलिए खबर को आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चा सो रहा है तो आप खबर निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे, क्योंकि जब बच्चा जब उठा है तो जिद कर रहा था कि मैंने माँ के पास जाना, रो रहा था, काफी रो रहा था कि मैंने अपनी माँ के पास जाना है। पिता का अभी तक पता नहीं चल पाया आखिर ये बच्चा है कौन, ये मासूम कहाँ का रहने वाला है, क्यों उसकी माता इसको छोड़ के गई, कहीं सवाल उठते नजर आ रहे हैं। चेहरा आप देख सकते हैं, ये बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। मैं कहता हूं उन माता पिता को देखिए, जो माता पिता औलाद के लिए तरसते हैं दर बदर ठोकरे, अगर उनको कोई कहे कि 10 लाख या 15 लाख दो कि हमें, हम आपको बच्चा देते हैं, वो उतने पैसे भी खर्च देते हैं बच्चा पाने के लिए, मगर देखिए जिसके घर में औलाद है, बच्चा एक बेटा है, और वो ही इस बेटे को दर बदर देखिए ठोकरे खाने के लिए छोड़ गई इरिगेशन डिपार्टमेंट विश्नाह में। और जहां पर देखिए आज ये बच्चा मासूम किस तरह से सोया हुआ है, और जब जो उठेगा और कहाँ से इसकी माँ को लाना है और कहाँ से इसके पिता को लाना है, पूरी इस वक्त अगर बात करें विश्नाह पुलिस की, तो विश्नाह पुलिस पूरा संपर्क पूरी जगह पर तहकीकात कर रही है कि आखिर ये बच्चा कौन है, हर जगह में पूछताछ भी की जा रही है। मगर मैं एक बार फिर से जो विश्नाह पुलिस की, जेके पुलिस की जो महिला हैं, उनकी उनको सलूट करता हूं, जिनके द्वारा इस बच्चे को जहां पर लाकर, उसके बाद देखिए इसके पास खाने के सामान भी, इसको आप इसकी हालत अभी देख सकते हैं किस तरह की है, मगर जब ये पहले था, पहले आप इसकी हालत देखना था कि कितनी बुरी हालत में ये बच्चा मिला था। बिस्किट तक देखिए इसके पास रखे हुए हैं कि ताकि ये बच्चा, आप बच्चे की हालत देख सकते हैं, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। खबर को जितना हो सके इस बच्चे के लिए, इस मासूम बच्चे के, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, इस बच्चे के लिए खबर को शेयर भी जरूर करना। और इस वक्त हम विश्नाह, आपको बता दें, थाना के अंदर हैं, और जहां पे ये देखिए पुलिस स्टेशन विश्नाह, जहां पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये बच्चा सोया हुआ है। प्लीज इस खबर को साथ में साथ शेयर जरूर करें, आपका फर्ज है, ताकि ये बच्चा जिसका भी है वो लेकर जहां से जाए। आखिर क्यों, कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों इसकी माँ इसको छोड़ गई। और आपको बताएं, सुबह जे कम से कम भी 10 बजे के करीब जे बच्चा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट विश्नाह से मिला है, और जब वो, जब किसी ने वहां पर देखा, जे बच्चा रो रहा था, माँ माँ कर रहा था, पापा पापा कर रहा था, और आज देखिए इसकी बच्चे की उम्र देखिए, और जे बच्चा बेचारा उस वक्त किरला रहा था कि मेरी माँ मुझे चाहिए, मेरी माँ चाहिए, मगर आप देख सकते हैं, मगर किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी। तभी हमारे कुछ मीडिया कर्मचारियों भाइयों ने वहां पर खबर भी आप लोगों को दिखाई कि जल्द से जल्द ये बच्चा मिल जाए, मगर उसके बाद 1 घंटा फिर से वेट किया गया, मगर
मगर वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा इस बच्चे को लेने के लिए। हो सकता था इसकी मां को छोड़ के इसके लिए कुछ खाने के लिए गई हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। 1 घंटे के बाद तक भी कोई नहीं पहुंचा। और उसके बाद बिश्नाह पुलिस की बात करें, जैसे ही बिश्नाह पुलिस को पता चलता है तो बिश्नाह पुलिस के महिला जो है वो भी वहां पर पहुंचती है। और उसके बाद जो पहले तो लोगों द्वारा जो दूसरी पहले खबर चली थी उसमें बताया गया था ये लड़की है, मगर नहीं, ये लड़का है। आपको बताएं, अगर प्लीज आप लोग इस बच्चे को जानते हैं, एक बार फिर से चेहरा गोल्डी आप इस बच्चे का दिखाएं, अगर आप इस बच्चे को जानते हैं पहचानते हैं तो प्लीज संपर्क करें उनके घर तक, ताकि ये बच्चा उठने से पहले उनके माता पिता को मिल जाए। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त सोया हुआ है और इसको नहीं पता, ये तो इस वक्त जो सो रहा है इसको ये नहीं पता मैं पुलिस स्टेशन बिश्नाह में हूँ, इसको यही लग रहा है कि मैं घर में सोया हूँ, मेरी माँ ने मुझे लोरी देकर सुनाया है। कहीं ना कहीं देखिए, ये भूखा है, प्यासा था और दूध मांग रहा था, जब रो रहा था किरार, तभी अगर बात करें तो जहां पे पुलिस कर्मचारियों ने इनको खाने के लिए भी दिया है, मगर माँ तो माँ होती है, जितना मर्जी कोई जितना मर्जी इसको उठाएगा इसको लाड़ लड़ाएगा, मगर बिल्कुल जो माँ का प्यार होता है वो माँ का ही होता है। और वही जय देखिए, ये मासूम सा चेहरा आप लोगों को जो आपको दिखाने का, क्योंकि हमने जब जहाँ से पुलिस के साथ बात की उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही खबर लगा लो, क्योंकि अगर ये उठ जाएगा तो ये रोता है और कह रहा है मुझे मेरी माँ के पास लेकर जाओ, मुझे मेरी माँ के पास लेकर जाओ। और उसके बाद माँ कहाँ से ढूंढनी है, अब माँ कौन है, कौन सा पिता है, कौन माँ है। मैं कहता हूँ ऐसे माता पिता को शर्म आनी चाहिए, उन बच्चों से पूछो जो लोग तरसते हैं अपने बच्चे को पाने के लिए, बच्चे को उनकी गोद जिनकी गोदें सुनी हैं उनको पूछिए जनाब। मगर आप लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है, जो बेटा दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरह से इस बच्चे को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के चले गए, मगर कहीं ना कहीं वो भगवान ऊपर से देख रहा है। आज आप लोगों ने इसके साथ किया है, कल को आपके साथ भी बुरा होगा, मगर कहीं ना कहीं जो इंसानियत नहीं है जनाब, जो तस्वीर आप लोगों के सामने है, प्लीज इस बच्चे के लिए जितना हो सके साथ में साथ शेयर जरूर करें। जो मासूम बच्चा कहाँ का रहने वाला, कहाँ का नहीं, मगर अभी तक पता नहीं चल पाया। और जो इरीगेशन डिपार्टमेंट बिश्नाह वहां पर इस बच्चे को कोई छोड़ के चला गया था। और ये मासूम बच्चा देखिए, इसकी उम्र कम से कम भी आप देख सकते हैं साल के करीब ही होगी। और देखिए ये बच्चे के पांव देखिए, ये मासूम के पांव देखिए बेचारे के किस तरह से छाले पड़े हुए हैं। ये देखिए क्या कसूर है इस बच्चे का, जो भगवान का रूप कहते हैं बच्चे होते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से पांव में छाले पड़े हुए हैं। और ये मासूम सा चेहरा है, और कह रहा था जब हमने भी इससे पहले मिले थे, और जहां पर ये देखिए किस तरह से इसके चोटे भी जो लगी हुई है, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है, लगता है बच्चे को मारा गया है। ये तस्वीर आप लोगों के सामने जहां पे देखिए, आपको जो तस्वीर साथ साथ में दिखाई जा रही है उसके बच्चे को मुझे लगता है पीटा भी गया हुआ है इसको छोड़ के यहाँ पे। मैं और भी जहां पे ये देखिए किस तरह से इस बच्चे के चोटें हैं वो लगी हुई हैं, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। मगर ऐसे लोगों को मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, बख्शना नहीं चाहिए इस बच्चे को, इंसाफ मिलना चाहिए। जो बच्चा पूरी तरह से इस वक्त आपको बताऊं कि जहां पर सोया तो है, मगर जब उठेगा जब सोचेगा, इस वक्त इसको यही लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, मगर जनाब जब उठेगा इस बच्चे पे क्या बीतेगी। और आप प्लीज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस बच्चे को अगर आप जानते हैं पहचानते हैं तो प्लीज बिश्नाह पुलिस से संपर्क करें। उम्र क्या है, 1 साल के करीब भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं 2 साल का बच्चा, 2 साल का कह रहे हैं, मगर चलो मुझे नहीं लगता, मगर मासूम बच्चा है। जहाँ पे तस्वीर आप लोगों के सामने है, इस बच्चे को अगर आप जानते हैं तो प्लीज बिश्नाह पुलिस से संपर्क करें। आज फिर से बिश्नाह पुलिस को सल्यूट है, जिनके द्वारा इस बच्चे को महिला ने, जो महिला कर्मचारी है पुलिस कर्मचारी जहां पे लगी हुई हैं, इस बच्चे को वहां से उठा के लाया और एक माँ का दर्जा दिया, उस माँ को बच्चे को गले लगाकर। उसके बाद मुझे बच्चा जैसे ही पुलिसकर्मी के गले लगता है, महिला पुलिसकर्मी के गले लगता है, वो चुप है मेरी माँ के पास, और वो कहती है कि मैं आपको अपनी माँ तेरे माँ के पास ले जाऊंगी, आप चलो पहले हमारे साथ। पहले तो बड़ा डरता है, उसके बाद जब हम भी वहां पे थे, हमने तब खबर निकालनी थी, मगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम खबर नहीं निकाल सके। अभी आप लोगों के सामने जो तस्वीर जो है वो उस वक्त बिश्नाह थाना से हम दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ इस मासूम के लिए जितनी हो सके खबर को देखिए। इस वक्त आप हमारे साथ कितने लोग लाइव जुड़े हैं, क्या आप लोग एक खबर को एक शेयर भी नहीं कर सकते? हो सकता है आपका एक शेयर करने से जे बच्चे की मां बाप इसको मिल जाएं। और जे बच्चा सुबह से 9 बजे का, अभी इस वक्त टाइम क्या हुआ आपको बता दें, कम से कम 1 बज चुका है, और 9 बजे से जे बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है। और कैसी वो बदली सी मां होगी जो अपने बच्चे को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ के चले गई, क्या हो सकता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्यों छोड़ के गई होगी इसकी मां, ऐसी क्या बात हो सकती है, कौन होगा इसका पिता, आखिर क्या कसूर है इस मासूम बच्चे का, कि क्या इसने उस घर में जन्म लिया।